यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है अब इसे अगर हमें चार्ज करना है तो हम जानते हैं एक तरीका है इंडक्शन से जिसमें हमें अर्थिंग का हेल्प लेना पड़ता है लेकिन एक और तरीका है जो कि बहुत ही आसान तरीका है तो देखते हैं वो क्या है उसके लिए पहले हम एक ग्लास रॉड लेते हैं जिसे हम सिल्क से रब करते हैं जब हम सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे क्या इफेक्ट होता है ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है अब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे और जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से ट्रांसफर हो जाएंगे उस रॉड में और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रल बॉडी से ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज कम होगा और यह बॉडी क्या बन जाएगी फिर पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है तो जब हम न्यूट्रल बॉडी से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और हमारे पास जो बचता है वो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और हमने इसे कैसे पॉजिटिवली चार्ज किया कंडक्शन से तो हमने यहां पे चार्जिंग किया कंडक्शन के हेल्प से और हमारे पास अब ए भी है जो पॉजिटिवली चार्ज है अब अगर हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है और हमें इसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें एक एबनाइट रॉड लेना पड़ेगा और एबनाइट रॉड को हम फर से रब करेंगे जब हम ऐसा करेंगे तो एबनाइट रॉड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा अब ये नेगेटिवली रॉड अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं और उसे टच करते हैं तो क्या होगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे इस न्यूट्रल बॉडी में क्योंकि यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है और जब इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिलेगी तो वो स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे तो यहां पर यही चीज हुआ अब इस न्यूट्रल बॉडी में क्या कंडीशन है करेंटली यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन्स से यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये बॉडी क्या हो गई नेगेटिवली चार्ज हो गई तो अब जो हमारे पास बॉडी है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हैं पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में और इसीलिए हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जिसे हमने चार्ज किया है कंडक्शन के मेथड से तो इस तरीके से कंडक्शन यूज करके हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर फ्री एट डेल्टा स्टेप डॉट कॉम टू गेट ऑल लर्निंग रिसोर्सेज एज पर आईसीएसई सीबीएसई आईबी कैम्ब्रिज और एनी अदर करिकुलवर फाइव थाउजेंड अमेजिंग लेक्चर्स अक्रॉस Maths, Science, English, and Social Science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests performance analysis along with actionable feedback personal tutors to resolve your slightest of doubts that's not all you also get amazing prizes like playstations ipads watches and many more along with certificates through our earn as you learn program so at deltastep.com learning is not just fun and easy it's rewarding too so Register for free now!